दोस्तों पार्ट टू में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि मैं आया हूँ संभाजी नगर के टूर पे। तो आज हम जाने वाले हैं होटल भोज पे, जो मैंने लॉज किया है। इसका नाम गजानन लॉज है। यहाँ से होटल का डिस्टेंस 7 किलोमीटर है, तो यहाँ से मैं ऑटो करके जाऊँगा। तो दोस्तों हम जा रहे हैं होटल भोज पे, तो मैं आपको औरंगाबाद का नाइट व्यू भी दिखा देता हूँ। तो होटल के बाहर भैया ने ड्रॉप किया। जो फर्न रेसिडेंसी है उसी के साइड में है राजस्थानी भोज होटल। तो ये है मेन एंट्रेंस। यहाँ पर ना दो आदमी स्वागत के लिए थे, और उसके बाद अंदर जाने के बाद हमें ना गणपति बापा की मूर्ति भी दिखी। उसको ना इन्होंने निवेद्य भी दिया था। अंदर इंटर कर रहे हैं, यहाँ पे सीट भी मिल चुका है अपने को। तो ये है प्लेट। तो क्या है भैया? जलजीरा। तो पहले आने में जलजीरा सर्व किया है इन्होंने। हाँ हाँ, डालो भैया। लहसुन चटनी, ये लहसुन चटनी, पुदीना भी डाला इन्होंने। और आप दूसरे भाई आएंगे, वो भी आ गए। बटर पनीर डाला उन्होंने। कौन सी थी भैया? ब्लैक दाल। ओके, ज्वार फली। ओके, और एक भाई आएंगे और वो इस तीन वाटे को भर डालेंगे। ये सांबर कौन सा था भाई? ओके, कड़ी। और आप और एक भाई आएंगे जो हमें जलेबी स्वीट आइटम सर्व कर रहे हैं। चमचम, इसको शायद रसगुल्ला कहते होंगे। चमचम बंगाली है, सॉरी। ये ओके, इन्होंने पापड़ भी दिया है। तो ये है हमारे आज के थाली। सेव भाजी भी दी है, इनकी सेव भाजी बहुत फेमस भी है। बैंगन भी दिया इन्होंने। पूरी भी दी है इन्होंने, रोटी भी दी है। क्या है भाई? भाकरी। ओके, गोल घी के साथ में दी है वो भी। घी भी डाला है ऊपर से। घी की कोई कमी नहीं है भैया? ओके, आमरस भी दिया है भैया। ये क्या है? कचौरी चाट है। ओके, भैया ने ढोकला भी दे दिया है। पापड़,
ओ यहाँ पे चाइनीज भी है इनके स्टार्टर में। ओके और लास्ट में ये भैया है, इन्होंने मिर्ची दी है हमको, लेमन भी दिया है। ओके क्वालिटी आप सही बोलता है, एक नंबर। ये भाजी बहुत अच्छी लग रही है और शेव की भारी बहुत पसंद आई मेरे को। ढोकला भी इनका अच्छा है, इनका जलजीरा भी बहुत अच्छा है। चाट कचूरी में आप ट्राई करूँगा, तो एक नंबर क्वालिटी है इनकी। यहाँ की जो दाल खिचड़ी है एक नंबर क्वालिटी की है, बहुत अच्छी लगी मेरे को। यहाँ की ना मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे ना आमरस भी आपको अनलिमिटेड मिलता है और मैंने बहुत इन्जॉय किया। फिर लास्ट में ना राजा महाराजाओं की तरह इन्होंने ना हॉट वाटर हाथ धोने के लिए लाया। थैंक यू भैया। तो इन भाई साहब का कौन जा रहा है कौन आ रहा है सब पर ध्यान था। हाँ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, 10-15 मिनट का वेटिंग पीरियड भी था यहाँ पर। तो ये इनका कॉम्प्लीमेंट्री पान जो फ्री में दिया है उन्होंने। तो दोस्तों ये था होटल भोज का वीडियो, आपको कैसे लगा मेरे को कमेंट में बताओ। तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि होटल भोज में आप कभी भी आओ तो आपको अनलिमिटेड सर्विंग मिलती है और होटल भोज की क्वालिटी भी एक नंबर है। और हाँ औरंगाबाद का होटल भोज को मैंने विज़िट किया है तो मुझको उसमें कोई क्वालिटी में कुछ कमी नहीं लगी। और उनका जो स्टाफ था वो भी एक नंबर था, वो उनको आपने पुकारा तो वो तभी आ रहे थे, तो बाकी सब एक नंबर है। अब औरंगाबाद में जाओ या कहाँ भी जाओ, धरती पे किसी भी पॉइंट पे जाओ, आपको बार के आगे भीड़ ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों हमारा यही तक था होटल भोज का सफ़र और मैं ये ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।